नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। कटिहार में लगातार पिछले कई दिनों से हत्या होती जा रही है और यहाँ पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। केवल शहरी क्षेत्र की यह बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेयर हत्याकांड, राहुल हत्याकांड, पंपम हत्याकांड, अब फिर लक्ष्मी राय पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या कर दी गई। मैं बताता चलूँ आपको विस्तार से। आज सुबह हृदयगंज पुल के नीचे हृदयगंज निवासी पेट्रोल पंप में काम करने वाले लक्ष्मी राय की लाश पुल के नीचे पाई गई। काफी चाकू के जख्म के निशान भी कहा जा रहा है कि पाया गया है। पेट्रोल पंप कर्मी आईटीआई के सामने पेट्रोल पंप में काम करते थे। कुछ लोगों ने बताया कि 12 बजे रात में काम खत्म करके वो हृदयगंज अपने घर जा रहे थे और सुबह में उसकी लाश मिली। कहा जाता है कि दो बच्चे के पिता हैं और कुछ लोगों से उनकी अदावत थी। कहा जाता है कि कुछ लेन देन का भी मामला था। स्पष्ट रूप से पुलिस अब तक कुछ बताने से पीछे हट रही है कि आखिर लक्ष्मी राय की हत्या की किसने। लगातार इसी इलाके में हत्या हो रही है। मिर्चायबाड़ी एसडीओ डीएसपी सीजीएम के घर के आगे हत्या होना, फिर हृदयगंज पुल पर हत्या होना, अगल बगल ही इतनी अधिक हत्या हो रही है, राहुल की हत्या होना मैथिल चौक में, इसी आसपास में हत्या हो रही है 2-1 किलोमीटर के अंदर ही, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। लक्ष्मी राय के परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कहा जाता है कि काफी हाई प्रोफाइल मामला है। अब कुछ नेताओं की भी संलिप्तता बताई जा रही है, लेकिन अब तो जांच का विषय स्पष्ट पुलिस करेगी कि आखिर कौन से नेता, कहां से के नेता हैं और किसने मारा, क्यों मारा, आखिर क्या मामला लक्ष्मी राय से उस नेता की थी, यह तो वक्त रहते ही पता चल पाएगा। लेकिन यह आप कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री के घर के बगल के पेट्रोल पंप में काम करने वाले पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या हो जाती है। यह जो भी 3-4 हत्याएं हुई है, उप मुख्यमंत्री के आवास के 400-300 किलोमीटर के दरमियान ही हुई है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री के आवास के आसपास यह हत्या हो रही है। अब कौन इसका जवाब दे कि कौन हत्यारा है जो हत्या कर रहा है, यह उप मुख्यमंत्री को अब कड़ा कदम लेना ही लेना होगा। धन्यवाद।